तो भाई क्या हाल है सबके। आज है अपने पास वन एंड ओनली एवरग्रीन गाड़ी एंडेवर। तो भाई आप सबको तो पता ही होगा एंडेवर अपनी 2021 में बंद हो गई थी एंड ये वही लास्ट मॉडल 2021 मॉडल है जो कि बेस्ट इन क्लास है। क्यों बेस्ट इन क्लास है आपको पता होगा, जब एंडेवर सेल्स में थी, फोर्ड कंपनी इंडिया में थी, तो फॉर्च्यूनर की सेल्स को कैसे इसने धोया था सांस फूल रही है सॉरी। लेकिन जैसे ही एंडेवर गई, फोर्ड कंपनी बंद हुई, फॉर्च्यूनर की सेल्स कैसे बढ़ी थी। मैं फॉर्च्यूनर को गलत नहीं कह रहा, फॉर्च्यूनर भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद फॉर्च्यूनर का ही ब्लॉग आएगा। आओ थोड़ा सा पहले इसकी लाइट दिखाओ, बेस्ट इन क्लास लाइट, एलईडी, फुल एलईडी सेटअप, इंडिकेटर हैलोजन था सिर्फ इसका, फॉग लैंप भी हैलोजन था, साथ में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फ्रीकिंग फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑटो पार्क असिस्ट भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब एक छोटा 360 वॉक अराउंड लो गाड़ी का। अब देखो गाड़ी कितनी क्लीन कंडीशन में है। अगर किसी को चाहिए होगी तो एबी मोटर्स पे आओ और लेके जाओ। अब इसी के साथ इसके अंदर आते हैं, ये आप चाबी से तो लॉक अनलॉक कर ही सकते हो, इसका बूट भी ओपन लॉक अनलॉक कर सकते हो, खुल भी जाएगा। इसके आपके दोनों साइड में आपको मिल जाएंगे रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ भी और वहाँ भी। अगर आप इसके शीशों में देखोगे साइड मिरर्स पे, इसके अंदर हीटिंग फंक्शन भी है। अगर बाई चांस फॉग होती है तो ये अपने आप क्लीन भी कर लेगा। अब आओ एक बार आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसको आप दो बार क्लिक कीजिए, कितना बढ़िया लगता है यार। अब ये ओपन हुई एंड लेकिन इसमें फर्क है फॉर्च्यूनर की, इसकी जो ये टेल गेट है फॉर्च्यूनर से जल्दी खुल जाता है एंड बंद भी होता है। फॉर्च्यूनर का थोड़ा स्लो चलता है एंड साथ ही साथ इधर ये स्विच लगे हुए हैं। अगर आपको ये दोनों चाहिए, अगर इससे भी ज्यादा बूट स्पेस चाहिए आपको, आप इधर से क्लिक करके आप इसको नीचे भी कर सकते हो। ये देखिए वो गई है। अगर आप दूसरा करना, अगर आपको अब इसको उठाना भी, आपको ये नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, इधर से आ जाओ अपने आप आ गए ऊपर। अब ये देखिए अब इसको वापस उठाना, ये ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया। ये देखिए मेहनत का काम नहीं है, सब बढ़िया काम है इसका। साथ ही साथ इसके नीचे आपको मिल जाती है इसकी टूल किट, जैक एंड फोर्ड की फर्स्ट एड किट, इसका जो स्पेयर टायर नीचे फुल साइज है विद एन अलॉय। सॉरी इसको तो बटन दबा के बंद करना, ये फुल लॉक हो गई है। अब चलते हैं इसकी बैक सीट पे। आपको चढ़ने के लिए अगर आपके पास कोई एज्ड पर्सन है वो इधर से भी सपोर्ट लेके चढ़ सकता है, मैं तो चलो सीधा ही चढ़ गया। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ, नॉट दैट गुड, बट हेडरूम इज गुड अगर आप आराम से बैठना चाहोगे। साथ ही साथ आपको मिल जाती है सनरूफ, बहुत बढ़िया। इसकी बैक सीट पे भी जाएंगे लेकिन बैक सीट में ना इतनी वो नहीं है, इसके क्या कहेंगे हम, इतनी स्पेस नहीं है, हेडरूम तो है। इसकी एक बार बैक सीट देखिए, देखिए अगर आपको जाना चाहते क्या चले जाऊं, चलो एक बार चलते हैं फिर। चलो अब भाई मैंने ये सीट तो नीचे करी हुई है, आपको ये वाली सीट भी करेगा, पीछे बैठ के दिखाते हैं कितनी स्पेस मिल जाती है। भाई अगर मैं पीछे जाना नहीं चाहता, बस आपकी वजह से जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके पीछे जाना एक मशक्कत वाला काम है। ये देखो बस इतनी जगह, मतलब पीछे सिर्फ हम जैसे हेल्दी नहीं बैठ सकते, अगर कोई ठीक ठाक फिटनेस वाला है पतला सा वो ही बैठ पाएगा यहाँ पे। अब आप स्पेस देखो, अगर मैं सीट भी ऊपर कर लूंगा ना मैं बैठ नहीं पाऊंगा पीछे बिल्कुल भी, इतनी कम स्पेस है। तभी शायद आज तक एंडेवर की सबसे लास्ट को कभी यूज ही नहीं हुई। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अगर आप पीछे आए, ये देखिए सबवूफर। ये फोर्ड ही ऐसी कंपनी जिसने सबसे बढ़िया म्यूजिक सिस्टम देना शुरू किया था अपनी बड़ी गाड़ियों में, उसके बाद फॉर्च्यूनर में सबवूफर लगना शुरू हो गया, अब तो हर एक गाड़ी में सबवूफर आने शुरू हो ही गए कंपनी की तरफ से, तो बाहर से लगवाने पड़ते थे, फोर्ड कंपनी की फिटेड ही ये सबवूफर दे रहा था आपको। अब इसको उठाने के लिए यहीं से आपको दबा दो, ये देखो ये बहुत बढ़िया सिस्टम लगता था कि
कम मशक्कत में सारा काम हो जाए आपका। अब चलते हैं, आपको एक जो चीज दिखानी भूल गए, अब चलते हैं बाहर एक बार। जो चीज सबसे पहले दिखानी चाहिए थी वो मैं अब आपको एंड में दिखा रहा हूँ। हाइड्रोलिक स्ट्रट सबसे बढ़िया बार बार ऐसे पकड़, क्योंकि इसका बूट इतना भारी होगा अगर हाइड्रोलिक स्ट्रट नहीं लगे होंगे कि अगर वो स्टैंड भी अगर देंगे वो भी टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इतना हैवी तो है इसका। इसके अंदर आता है अपना 2.0 डीजल इंजन जो बहुत ही अच्छी पावर निकालता है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो उसके पता नहीं कितनी पावर है, लेकिन बहुत अच्छी पावर निकालता है। और इसकी बैटरी का साइज देखो, आप अपने घर का इन्वर्टर लगा लो इसके साथ, इतनी मैसिव बैटरी वो होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो भी पार्ट्स है सेंसर के साथ और इलेक्ट्रॉनिकली वर्क हो रहे हैं। और फोर्ड का देखो, एक इसके अंदर एक और आती है ग्रिल जिसके अंदर पूरा फोर्ड लिखा होता है, वो भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जो कंपनी दे रही है वो बेटर है, बढ़िया। और उसके बाद आता है अपना, इसको अब एक बार बंद कर देते हैं, थर्ड सुनी थी आपने, थर्ड सबसे बढ़िया। अब आपको लेकर चलते हैं एक बार इसके फ्यूल टैंक में। 80 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका विद एड ब्लू। इधर से आपको पता लग गया होगा ये 2021 वाला ही मॉडल है, क्योंकि 2020 के बाद ही एड ब्लू शुरू हुए थे इसके। चलो अब चलते हैं अब इंटीरियर में। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये पुश स्टार्ट बटन है, अब आप इसकी इंटीरियर देखें। सबसे पहले तो इसकी टच स्क्रीन है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया स्मूथ टच है, कनेक्टर फोन, ये सब आपका क्लाइमेट कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, मोबाइल ऐप सब इसी के अंदर होगी, सेटिंग्स के भी इसके अंदर होगी। ये आपका आता है सीडी चेंजर, उस टाइम भी फोर्ड सीडी चेंजर दे रहा था, लेकिन अब काफी कंपनी बंद भी कर दिया हुआ। और साथ ही साथ इसके अंदर आपका सारा आया था, अगर आपको जो फ्रंट विंडशील्ड है उसको मैक्स की तरह साफ करना है, उसके बाद रिवर्स रेयर विंडशील्ड, रेयर विंडो, विंडशील्ड नहीं हम उसको कहेंगे, रेयर विंडो, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी ऑन ऑफ, मैक्स एसी, जब एकदम भप की धूप में जब गाड़ी भपका मार रही होगी धूप का, तब आप एसी मैक्स कौन का ऑन कर सकते हो। ये इनर सर्कुलेशन, ये पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर आपका ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, ये आपका डिफरेंशियल आ गया, 4x4 लोड दबाने के लिए, दबाने 4x4 लोड चलाने के लिए, दबाने के लिए नहीं चलाने के लिए, जब बाई चांस आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर स्नोई रोड पे रहो तो इसमें अंदर काम आएगा। ये है ऑटो पार्क असिस्ट, गाड़ी अपने आप को पार्क करेगी, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए हैं। और ये आपके मोड्स आ गए हैं, ये आपका आ गया नॉर्मल मोड, ये आपका आ गया स्नो मड ग्रास मोड, ये आपका आ गया सैंड मोड, और ये आपका आ गया रॉकी मोड। 4x4 इसके अंदर 4x4 लो रिक्वायर्ड करता है इसके अंदर, जब तक ये मतलब 4x4 लो नहीं दबेगा तब तक ये एंगेज नहीं होगा। ये आपका आ गया हिल डिसेंट, इसको हम नॉर्मल मोड पे ही चलाएंगे, सबसे बढ़िया तभी रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आया था गियर शिफ्टर, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स, सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स है, फिर गाड़ी फुल अपनी पावर को भागती है। इसके अंदर 10 स्पीड गियर बॉक्स ऑटोमेटिक, इसके अंदर 10 गियर टोटल के पड़ते हैं, अब हिसाब लगा लो। इसके अंदर एक ये वो भी फंक्शन है, जब आप किसी को गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं तो वो कौन से गियर से ऊपर ना जाए, एंड उसके अंदर आप स्पीड भी लिमिट सेट कर सकते हैं कि उस स्पीड से ज्यादा गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। उस वैसे आपने 60 सेट करके तो वो 60 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, 80 करके थी 80 से ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका इसको कंट्रोल करने, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आ गया, विद ही आपको इसके अंदर आया था 2 कप होल्डर्स। इसके अंदर आपको डिसेंट इनफ स्पेस मिल जाती है अपने डॉक्यूमेंट फोन्स वगैरह रखने के लिए, कवी होल, सॉरी ग्लव बॉक्स विद नो कूलिंग फंक्शन, कूलिंग फंक्शन देना चाहिए था यार उस टाइम पे भी। इसके अंदर टोटल आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 1, 2, 2 ऑन दी फ्रंट सीट्स, एंड ईच साइड पे कर्टन एयरबैग मिल जाते हैं, आपको इधर दिख रहा होगा, ये देखिए एयरबैग। अब इसकी एक ड्राइव पे चलते हैं बढ़िया सी, और फिर आपको इसके सारे फंक्शन की ड्राइव कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, क्योंकि मेरे को तो पता, क्योंकि मैं चला ही रहा हूँ इसको, तो बहुत बढ़िया। चलो अब एक बार इसकी ड्राइविंग पे चले। ओह एक चीज बताना भूल गया, क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए यहीं से होगा, अगर आपको इधर की कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले चेंज करनी है तो इधर से ही होगी, ये वाले बटन से। यहाँ पे आपका सारा फोन, म्यूट, वॉइस कंट्रोल, वॉल्यूम ऊपर नीचे, प्लस माइनस, एंड इसके अंदर भी आपको इधर से ही कंट्रोल कर पाओगे,
ये देखिए एंटरटेनमेंट फोन जैसा आपको सही लग रहा है, ये आप FM मतलब कि आप एक तरीके से इस साइड से आप इसको कंट्रोल कर रहे हो और इस साइड से आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो ठीक है। इसकी लाइट्स भी ऑन है इस टाइम पे अगर आप देख सको तो। अब आपको एक बार इसके ड्राइव पे लेके चलते हैं, चलो फिर। तो भाई इसका सनरूफ तो दिखाना भूल ही गया मैं, ये देखिए मन तो नहीं कर रहा अभी सनरूफ खोलने, लेकिन आपको दिखाने के लिए कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार धूप बहुत है बाहर। अब इसको बंद करने के लिए भी आप यहीं से दबा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अपनी ड्राइव पे। अब हमने इसको डाल दिया ड्राइव पे, स्पोर्ट्स भी करेंगे लॉन्च करने, लेकिन अभी इस रोड पे नहीं करेंगे। खड्डा था भाई ये गाड़ी। भाई अगर किसी को चाहिए तो AB मोटर्स के पास आओ, 24,000 किलोमीटर सारी चली है। एंड गाड़ी का अगर रिव्यू की बात करूं भाई साहब, इतनी स्मूथ ड्राइविंग, सस्पेंशन ट्रैवल जो इसका बहुत बढ़िया है एंड कंफर्टेबल भी है, ना ज्यादा हार्डर साइड पे है ना ज्यादा सॉफ्टर साइड पे है, बहुत ही मक्खन तरीके से चलती है गाड़ी, बहुत ही मक्खन तरीके से। एंड अगर इसके सिस्टम की बात करें, इसके अंदर सब वूफर के साथ साथ आपको 4 बढ़िया से स्पीकर मिल जाते हैं विद 2 ट्विटर्स आगे हैं लगे हुए ये वाले। एंड उसके साथ इधर नीचे देखेंगे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, साथ में USB इधर लगा सकते हो और एक USB वहां पे भी लगा सकते हो। एंड गाड़ी की परफॉर्मेंस ये देखिए, अब आपको थोड़ी सी खींच, अब ये ड्राइव पे थी स्पोर्ट्स पे नहीं थी तो ये किसी ने अपने आपको इतनी पिकअप पावर खींचती है। अगर सोचो जब हम इसको इधर मोड़ के जब हम एक पावर मोड पे लॉन्च करेंगे इस गाड़ी को, तो सोचो क्या पावर होगी भाई इस गाड़ी की। अभी हम इसको करते हैं लॉन्च, यहाँ पे साइड पे खड़ी की। इसके अंदर जो एक और फीचर है ऑटो पार्क असिस्ट, जिसके अंदर गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है, वो भी फीचर आपको बता दूं। उसके लिए करना क्या पड़ता है, पहले इसका ये पार्क असिस्ट वाला बटन दबाइए, ये जो नीचे लगा हुआ, ये कह रही है सर्चिंग, इंडिकेटर दे दो बस कि आपको कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी। मैंने खड़ी करनी इसके अपने राइट हैंड साइड पे, मैंने इंडिकेटर दे दिया। अब ये गाड़ी ढूंढ रही है, वो कह रही है कि आगे चलो गाड़ी को लेकर, हम चल रहे हैं आगे। अब ये गाड़ी जैसी कहेगी कि हाँ जगह मिल गई, हम साथ के साथ अपनी गाड़ी को छोड़ देंगे। ड्राइव फॉरवर्ड अभी भी यही कह रहा है, जब ये स्टॉप बोले अब कह रहा स्टॉप, अब इसने कहना कि रिवर्स करो, ये मैंने डाल दिया रिवर्स, और स्टेयरिंग को ओपन छोड़ देना, कुछ करना नहीं, बस अपनी सराउंडिंग्स देखते रहना। ये मैंने रिवर्स के डाल दिया, ये देखो प्रिपेयर टू स्टॉप, ये देखिए गाड़ी पीछे जा रही, स्टेयरिंग देखो अपना घूमेगा, ये देखो ये देखो पैरेलल पार्किंग फिनिश्ड, ये हमने कर दिया पार्किंग में, गाड़ी खड़ी हो गई है अपनी जगह पे। एंड पार्किंग इतनी बढ़िया लगाई है भाई, मजा आ गया। इसी को कहते हैं स्मार्ट फीचर, और सबसे पहले ये फीचर देने वाली भी मेरे ख्याल से एंडेवर ही थी इस गाड़ी में। अब आपको इसका म्यूजिक सिस्टम भी साथ ही चेक करवा देते हैं, ये किया हमने प्ले, परफॉर्मेंस स्पीकर्स की फिनोमिनल थी यार, फिनोमिनल। चलो ड्राइव पे, अब इसको करते हैं स्पोर्ट्स पे। ये वो आपके डैश, उधर भी डैश पे भी नजर आ गई होगी, एस पे लगी हुई गाड़ी। अब लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सेलरेटर, रेविंग द मोटर। भाई हल्का सा व्हील स्पिन हुआ था एंड गाड़ी ऐसे भाग रही है जैसे इसने खुला सांड भगा दिया हो। भाई बहुत ही ज्यादा मस्त पावर है इसकी। मैं तो वैसे भी पहले से ही एंडेवर का फैन हूं, अभी भी हूं, एंड ये एवर ग्रीन गाड़ी है। अगर आज से 15 साल बाद भी और कोई पूछेगा तो हम आराम से बता सकते कि हाँ अभी फॉर्च्यूनर की टक्कर के लिए
एक गाड़ी आई थी, उसका नाम था एंडेवर। तो भाई इसी के साथ मैं फोर्ड एंडेवर का ये व्लॉग करता हूँ यहीं पे खत्म। अब इसको एंजॉय करूंगा आराम से बढ़िया मक्खन तरीके से, और तब तक के लिए आप अपने भाई को सपोर्ट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड मौज काटो। थैंक यू।